जब कोई पद के ऊपर बैठ जाता है तो फिर वो शायद आम इंसान का दर्द भूल जाते हैं। पहले तो वो बोलते हैं कि हम भी इस गरीब परिवार से आए हैं, हमने भी इतना संघर्ष किया है, लेकिन जैसे ही वो गद्दी पे बैठ जाते हैं वो संघर्ष भूल क्यों जाते हैं, क्यों वो याद नहीं आते उनको वो दिन। गेम्स भी आ रही है? बिल्कुल आ रही है, अभी देखते हैं कैसे क्या होगा, लेकिन हमारी लड़ाई चल रही है। लड़ाई जब तक ख़त्म नहीं होगी तो पार्टिसिपेशन का तो हमें नहीं लगता कितना ईजी हो पाएगा। कोई ऐसे खेल नहीं है कि एक दिन मेरा मन किया तो वो खेल लिया, एक दिन मन किया तो वो खेल लिया। हमारे बहनों की लड़ाई है, और ये सिर्फ कुश्ती की नहीं है, हर उस बहन की लड़ाई है जो हर अलग अलग फील्ड में गई है, जिसके साथ गलत होता आया है, जो कभी आवाज़ नहीं उठा पाई, हमारे जरिए वो अपने एक आस और उम्मीद की तरफ देख रही है, और हम नहीं जाते क्योंकि उम्मीद को हम तोड़ें। तो लड़ाई जारी है, जब तक जीत नहीं जाते हम भी लड़ ही रहे हैं। जैसे हमने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे तो ये तो सरकारें हैं, ये तो 5 साल में आएंगे और जाएंगे, लेकिन जब अंग्रेज इतने साल तक राज किए थे हमने उनको नहीं छोड़ा था अपने देश में। संघर्षशील इंसान जो लड़ाई लड़ता है वो अपनी लड़ाई को जरूर जीतता है, चाहे कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती। पटियाला पावरकॉम मुख दफ्तर के बाहर धरना दे रहे किसानों नूं समर्थन देण अज दिल्ली दे जंतर मंतर विच सरकार नाल मत्था लाउण वाले पहलवान पटियाला पुजे। पटियाला पुजे इन्हां पहलवानां विच ओलंपियन रणधीर सिंह धीरा, विनेश फगाट, संगीता फगाट, सोमबीर राठी समेत संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक दे हरियाणा तो आगू अभिमन्यू कहाड़, जरनैल सिंह चाहल अपने साथियों समेत मोर्चे विच पुजे। मरण वरते बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल ते होर आगुआं नूं डट के समर्थन देण दी गल आखी है। पावरकॉम पटियाला चल रहे मरण वरत नूं समर्थन देण वाली विनेश फगाट ने स्पष्ट शब्दां विच कहा है कि देश विच गुंडा राज है जिथे इंसाफ की किरण नज़र नहीं आ रही। उन्हां दा कहना है कि उसकी खेड खराब होण कारण देश दीआं होर धीआं दी जिंदगी बणदी है तां उह इह नुकसान झलण नूं तैयार है, पर देश लई खेडणा नहीं छड्डेगी। देखो जी, पहली बात तो हमारी एक ही फैमिली है, हम हरियाणा से हैं, सर पंजाब से हैं। जब हमें ज़रूरत थी, जब हम बैठे थे इनके बच्चे, तब ये आए थे दिल्ली में इतनी दूर, अभी आज ये दुखी है तो हम आ रहे हैं, लेकिन एक ही फैमिली है, सेम ही लड़ाई है। हम अपनी बहनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सर अपना खाना पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और बहुत बुरा लगता है। मतलब ऐसे कि सभी लोग, हम उधर दिल्ली में सड़क पर बैठे थे, सर इधर सड़क पर, और ये तो अनशन पर बैठे हैं, 4 दिन हो गए, कोई सुनने नहीं आया है, तो बहुत ही बुरा लगता है। और सिस्टम को थोड़ा सा सुधरने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उनको सेंसिटिव होने की ज़रूरत है कि कोई अगर इंसान ऐसे सड़क पे बैठा है तो सड़क पे बैठने वाले की बात सुनी जानी चाहिए। हर बार सड़क पे बैठे ज़रूरी नहीं होता है, सड़क पे बैठने से ही पहले समाधान होना चाहिए। वहाँ पर बीजेपी सरकार है, यहाँ पर आपकी सरकार है, मसला बिल्कुल वैसा ही है। आप लोगों के पास भी नहीं कोई पहुंचा, इनके पास 4 दिन हो गए हैं मत पर बैठे। कैसे देखते हैं कि सरकारें सभी कैसे? यही लग रहा है, एक ही जैसे हैं। जब कोई पद के ऊपर बैठ जाता है तो फिर वो शायद आम इंसान का दर्द भूल जाते हैं। पहले तो वो बोलते हैं कि हम भी इस गरीब परिवार से आए हैं, हमने भी इतना संघर्ष किया है, लेकिन जैसे ही वो गद्दी पे बैठ जाते हैं वो संघर्ष भूल क्यों जाते हैं, क्यों वो याद नहीं आते उनको वो दिन। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पावर में बैठ गए हो, तो पावर में लोगों ने बिठाया, तो लोगों की समस्याएं आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि खुद की मौज और ऐस आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर लोग बैठे हैं तो सुना जाना चाहिए। और मैं वही बोल रही हूँ कि हर बार सड़क पर बैठा जाए ये ज़रूरी नहीं होता है। 13 महीने सड़क पर बैठे थे तभी पूरे देश में किसानों का तो कम से कम हल हो जाना चाहिए था। जो भी हमारे फैमिली बैठे थे उनका हल हो जाना चाहिए था, उनको सेम ही बात को रिपीटेशन के लिए बैठना पड़ रहा है। ये अपना अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर उधर दिल्ली में जाके अलग लड़ाई लड़, हर स्टेट में क्या अलग लड़ाई लड़नी पड़ेगी क्या? लोग तो एक है, किसान तो एक ही होता है ना, हर स्टेट से अलग अलग हो गया तो क्या होगा? ये फसल दूसरी उगाते होंगे, हरियाणा में दूसरी उगते होगी, वो तो मौसम के ऊपर है, लेकिन एक ही दर्द है, एक ही फैमिली है, एक ही जगह से सब लोग आते हैं। और अगर ये लोग ऐसे सड़क पर बैठे हैं तो मतलब देश के हालात बहुत बुरे हैं और बहुत बुरी स्थिति की तरफ देश जा रहा है। और हम जैसे जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, उनको आगे आने की ज़रूरत है, मुझे ऐसे लगता है। हाई टाइम आ गया है कि आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप ऐसे आँखें और कान बंद करके, जब तक आपके ऊपर आँच नहीं आएगी तब तक नहीं बोलेंगे, वो एक आपको चीज़ छोड़नी पड़ेगी। अगर आपके आस पड़ोस में भी अगर आग लगी हुई तो कई बार उसको भी बुझाने के लिए जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप लोग इतनी देर धरने पे बैठे, आपको वहाँ से हटा दिया गया, जबरी हटाया गया, अब आपका आंदोलन कहाँ तक कब तक जारी रहेगा? उम्मीद है कोई आपको कार्रवाई होगी? देखो, उम्मीद तो जब तक हम जिंदा तब तक तो हमारी तो उम्मीद जिंदा ही है।
हमारी उम्मीद को कोई थोड़ी ना मार सकता है, उम्मीद के ऊपर जिंदा है। अगर हमारी उम्मीद खत्म जिस दिन कर देगी तो सरकार फिर बिल्कुल अंधी और बहरी हो जाएगी, जो हम होने नहीं देंगे। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम ये देश संघर्षशील लोगों का रहा है, जिन्होंने संघर्ष किया है उन्होंने जीता भी है, ऐसा नहीं है, और बिल्कुल जीतेंगे। सर बैठे हैं यहाँ पे, ये अपनी लड़ाई जीतेंगे, हम अपनी वहाँ पे लड़ाई जीतेंगे, और बस कर रहे हैं संघर्ष। लेकिन मतलब बुरा लगता है कि खिलाड़ी भी बैठे हैं, किसान भी बैठे हैं, जवान तो वो बेचारे बैठने ही नहीं दिए गए थे, उनकी तो आवाज़ को ही दबा दिया गया था। तो देश में हर कोई रो रहा है, हर कोई बोल रहा है कि हमारी बात सुनी जाए, तो पता नहीं क्यों नहीं सुनी जा रही है, कहाँ तक ये बातें नहीं जा रही हैं, या सभी लोग सेम बैठे हैं, या सब साठ गांठ करके ऊपर जाके साठ गांठ कर लेते हैं, नीचे से तो बोलते हैं कि हम सब अलग अलग पार्टीज़ हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, पता नहीं ऊपर जाके वो एक ही फैमिली के लोग हो जाते हैं क्या। क्या मानती हैं आप, जिस तरह से संघर्ष आप लोगों ने किया, आने वाले समय में जब टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन करनी होगी, वो दिमाग पे वो चीज़ आ भी नहीं रहेगी, उससे परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखो अभी तो हमारी लड़ाई चली हुई है, अभी ख़त्म नहीं हुई है कि हम परफॉर्मेंस का सोचें और हम लड़ाई का सोचें। अगर हम ये लड़ाई जीत जाते हैं तो वो आगे की बात है, और खिलाड़ी हैं, हर एक लड़ाई को हम जीत के या हर एक हर्डल को पार करके ही खिलाड़ी किस लिए बनते हैं ना, उनमें वो जज्बा होता है, हार के उठते हैं हम फिर भी। एशियन गेम्स भी आ रही है? बिल्कुल आ रही है, अभी देखते हैं कैसे क्या होगा, लेकिन हमारी लड़ाई चल रही है। लड़ाई जब तक ख़त्म नहीं होगी तो पार्टिसिपेशन का तो हमें नहीं लगता कितना ईजी हो पाएगा। कोई ऐसे खेल नहीं है कि एक दिन मेरा मन किया तो वो खेल लिया, एक दिन मन किया तो वो खेल लिया। हमारे बहनों की लड़ाई है, और ये सिर्फ कुश्ती की नहीं है, हर उस बहन की लड़ाई है जो हर अलग अलग फील्ड में गई है, जिसके साथ गलत होता आया है, जो कभी आवाज़ नहीं उठा पाई, हमारे जरिए वो अपने एक आस और उम्मीद की तरफ देख रही है, और हम नहीं जाते क्योंकि उम्मीद को हम तोड़ें। तो लड़ाई जारी है, जब तक जीत नहीं जाते हम भी लड़ ही रहे हैं। यहाँ किसान संघर्ष कर रहे हैं, इनके साथ समर्थन दे रहे हैं, इनके साथ कब तक, क्या मानती हैं कि इनका मसला हल होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब अगर ये बैठे हैं, और पहली बात मैं समर्थन देने नहीं आई, हमारा ये एक ही फैमिली है, जब इनके बच्चे दर्द में थे तो ये भी तो दिल्ली गए थे। हमारी भावनाएं, हमारा हमारे विचार एक ही है कि देश में अच्छा होना चाहिए, देश के लोगों जो भी ग्राउंड लेवल पे जो लोग रहते हैं, चाहे खिलाड़ी हो चाहे किसान हो, सबका भला होना चाहिए। जब छोटे लेवल के जो लोगों का भला नहीं होगा तो फिर सरकारें क्या बड़े लोगों का भला करेगी, क्या जो पहले से करोड़पति हैं अरबपति हैं, क्या उनका भला करने के लिए सरकारें बनी थी? अगर हम 10-15 खिलाड़ियों का अगर गेम खराब होने से, अगर लाखों करोड़ों बहनों भाइयों का अगर गेम अच्छा हो सकता है तो कोई बुराई नहीं है उस चीज़ में, और कोई मतलब कल को ये मन में ये नहीं रहेगा कि हम लड़े नहीं, हम लड़ेंगे कोई नहीं। हमारी लड़ाई से अगर भला होता है तो हम तो अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन भला होने की कोई गारंटी तो दे दे कि उसके बाद में ऐसा नहीं होगा। 13 महीने तक जब किसान बैठे थे कम से कम उनको ही गारंटी दे देते कि आगे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो गारंटी तो दे ही नहीं रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं लेकिन गारंटी कोई दे ही नहीं पा रहा है, बस वो टॉफी दे के वो पागल बनाने वाली बातें करते हैं, तो वो बुरा लगता है काफ़ी कि मतलब ये सब हो रहा है, और हमारे ऐसे देश में जहाँ पे हमने, और मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, जब हमने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे तो ये तो सरकारें हैं, ये तो 5 साल में आएंगे और जाएंगे, लेकिन जब अंग्रेज इतने साल तक राज किए थे हमने उनको नहीं छोड़ा था अपने देश में। संघर्षशील इंसान जो लड़ाई लड़ता है वो अपनी लड़ाई को जरूर जीतता है, चाहे कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती। अजीत पंजाबी दी ऑथेंटिक खबरां दे लई सब्सक्राइब करो अजीत वेब टीवी, अते ताज़ी खबरां दी नोटिफिकेशन पाउण दे लई बैल आइकन ते क्लिक करो।